टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। अच्छा, हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। तो आदमी था बहुत पीता था, वो उसके सपने में भगवान आए, कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है पर तू पीता बहुत है, कुछ तो तेरा करना पड़ेगा। तो 75 साल की उम्र में या तो तेरी याददाश्त जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे। वो बंदा ऐसा था, टेंशन नहीं लेता था, तो कहता है हाथ कंप कपवा दो भगवान जी, याददाश्त ना जाए। कहता क्यों? कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक पैग नीचे गिर जाएगा। अगर भूल ही गए बोतल कहाँ रखी है। प्लीज वेलकम मिस्टर खान सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, श्री गौर गोपाल दास। मैं आपको सर बुलाऊं, संबोधित करूं आपको। एक कार्यक्रम में कहा कि आज हमारे बीच में गोल गोपाल आए हो। तो देखा आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, तो ये रही मेरी समस्या। ये जरूर सुना होगा सबने, बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही है, वरना तुमको तो तबका छोड़ के चली गई होती। ये बड़ा कॉमन सवाल है। सर का एक वीडियो देखा जिसमें ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे थे, मोहब्बत में भी पड़े हैं। कपिल आज बहुत लिबर्टी ले रहे हैं। अच्छा विवेक सर के बारे में हमने सुना है, 5 सेकंड के अंदर जवाब दे देते हैं। जब भाभी जी आपको श्री में कैसी लग रही हूँ, 5 सेकंड में जवाब दे पाते हैं आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है एक, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई। मैं थाने से आई हूँ। थाने से आई है? मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ। अच्छा, तो वो मेरा योगा नहीं करके वो किसी और का योगा फॉलो करते हैं। हस्बैंड आए साथ में? नहीं आए। तो आपके आसपास कौन बैठे हुए दो लोग? पता नहीं कौन बैठे। ऐसे घबरा के क्या देख रहे हैं, शादी शुदा है ये? किसका योगा फॉलो करते हो? शिल्पा शेट्टी। क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? आपके पति आपका फॉलो नहीं, उधर राजकुंद्रा भी शिल्पा शेट्टी का योगा। ये देखो ये होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे हस्बैंड है तो कुछ लेना होता है ना, शर्ट या लोवर, अपने से एक साइज छोटा लेते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि ये क्यों लिया आपने छोटा, आपको तो एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये मैं पहनूंगा, तो वो मोटिवेशन बस वहीं तक रहता है, खत्म हो जाता है। आपके हस्बैंड आए साथ में? नहीं आए। वो कहाँ है? ऑफिस। आर यू श्योर? हाँ, बोला तो यही ऑफिस जा रहा है। दूसरों के फटे में देखने की आदत हम हिंदुस्तानियों की बड़ी पुरानी है। आप पटना से है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। तो हम लोग हैं अभी कपिल शर्मा जी के सेट में और साथ में हमारे हिट रेस गौर गोपाल प्रभु और द फेमस पटना के खान सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो को लेकर? सर बहुत बहुत मजा आया और ये हमारा सौभाग्य आज डॉक्टर साहब और गुरु जी और खान साहब, आज ये अलग तरीके का एपिसोड है और आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा देख के। बड़ी अच्छी अच्छी और ज्ञान तक बातें हुई है और जरूर देखिएगा 7 जैन को शायद ये आएगा एपिसोड। शुक्रिया शुक्रिया। नए साल की शुरुआत नई मोटिवेशन के साथ गौर गोपाल पर वन लाइन फ्रॉम यू। आज जो हमने यहाँ पर आए, हम सब एक साथ आए कपिल जी के शो में, बिंद्रा जी खान जी, और इनकी सारी थॉट्स को सुना हमने भी, और डेफिनेटली ये थॉट्स और जो एपिसोड में जो कंटेंट है आपकी लाइफ बदल देगा नए साल। थैंक। आप सारे के सारे लोग, तो हम आप किसके साथ हैं बताने की जरूरत नहीं, मैं नहीं बताऊंगा किसके साथ हैं। प्रभु जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में खान सर हैं। खान सर तो जो काम कर रहे हैं आप लोग को पता है,
आज हम तीनों कहाँ पे आए थे प्रभु जी? मे बी फ्रॉम योर लोटस माउथ। आज हम तीनों आए थे आज द कपिल शर्मा शो पे, आज विवेक बिंद्रा जी और खान सर के साथ बैठकर जो हमने एपिसोड किया, इतना आनंद आया। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जरूर देखिए, इन दोनों ने जो बातें बताई हैं इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है, और इस न्यू ईयर में ये बातें आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल होगी। न्यू ईयर स्पेशल था, खान सर क्या कहना चाहते हैं न्यू ईयर स्पेशल पे? न्यू ईयर में प्रभु जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। वेरी एनर्जेटिक, वेरी हैप्पी जी, थैंक यू। तो क्या मैसेज क्या है न्यू ईयर स्पेशल पे? आज के वीडियो में से क्यों देखना चाहिए इन लोग को जो आज वीडियो 7 तारीख को आने वाला है? न्यू ईयर में अब कुछ चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना है इंसान को, अपने पे ज्यादा ध्यान देना है, दीपक की तरह जिंदगी जीना है, दूसरों के लिए जलना है, न कि दूसरों से जलना है।